तुझे कहाँ से लेके जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। पहुंच गया भाई जैसलमेर। ये भाई हम फोर्ट के अंदर घुस रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर, जैसलमेर फोर्ट के अंदर से। गुड मॉर्निंग। फोर्ट का रूफटॉप में पहुंच गए। अगर आप जैसलमेर आते हो कोशिश करना कि फोर्ट के अंदर रुको। जैसलमेर फोर्ट बनाए हैं रावल जैसल जी ने। ये फोर्ट येलो कलर के स्टोन और गोल्डन कलर से बना हुआ है, इसलिए ये फोर्ट को बोलते हैं सुनार किला। और एक मूवी भी था बहुत पुराना, सत्यजीत राय का एक मूवी था, ये सुनार किला फेलुदा, वो डिटेक्टिव मूवी है, वो ये फोर्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो यही है जैसलमेर सिटी। और ये जो जैसलमेर सिटी है ये फोर्ट के चारों तरफ ही बसा है। थोड़ा बाहर जाओगे पूरा सुनसान। वर्ल्ड में बहुत कम फोर्ट्स ऐसा है जहाँ पे पब्लिक रह सकते हैं, उनमें से जैसलमेर फोर्ट एक है, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। पहले जैसलमेर फोर्ट ही था इनका सिटी, लेकिन बाद में पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगा तब फोर्ट के बाहर घर बनाने लगे, नहीं तो पहले फोर्ट के अंदर ही सब कुछ था, फोर्ट ही उनका सिटी था। सोच रहा हूँ ना बड़ा फोर्ट बनाया है तो कितना पैसा होगा उनके पास। फोर्ट में ना कुछ कुछ शॉप्स है, कुछ कुछ ब्यूटी पार्लर्स है, रेस्टोरेंट्स है। आपके पास अगर कार है तो फोर्ट के बाहर रख के आना होगा, अगर बाइक है तो अंदर घुसा सकते हो। ये हमारा बाइक है, रात भर इधर ही था। ये फोर्ट 1500 फीट लंबा है और 750 फीट वाइड है और पूरा एक हिल के ऊपर बनाया हुआ है, जिस हिल का नाम है त्रिकुला। मुगल्स ने बहुत कोशिश किया ये फोर्ट को हथियाने के लिए और मुगल का कंट्रोल में भी था ये फोर्ट बहुत साल बाद में। 1762 में महारावल मूलराज उन्होंने ये फोर्ट का कंट्रोल लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक पैक्ट में आए, तो वो पैक्ट में ये बोला गया ये फोर्ट मूलराज के अंडर में ही रहेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्ट करेगा ये फोर्ट को कि बाहर से कोई आके फिर से ना इसको लूट ले या फिर हथिया ले। जितने सारे हवेली है जैसे सलीम सिंह की हवेली, जैन टेम्पल है, अभी एंट्री बंद है शायद कोविड की वजह से। तो अब चलते होटल ही चलते और जैसलमेर से निकल जाते और अभी शुरू होगा असली मज़ा जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अभी ड्रोन ऑन किया था लेकिन बस जैसे ही ऑन किया वहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि ये नो फ्लाई जोन है। बात ये है कि बगल में ही मिलिट्री जोन है, एयरफोर्स भी है, आई गेस आर्मी तो है ही, तो यहाँ पे उड़ाना थोड़ा सेफ नहीं है। ये GoPro का क्वालिटी डाउन हो गया है, लास्ट 2-3 ब्लॉक से अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन ये सही है। और ये तो मेरा मेडिसिन बॉक्स है, हमेशा हर जगह रहता है। जब भी मैं ये यूज करता हूँ ना ऐसे स्मेल करने का मन करता है हमेशा। और इसका जो ब्रश है ना ये बहुत ही स्मूथ है, यूज करने में मजा आता है। और बाय द वे वाव एक्चुअली इंडियन ब्रांड है, मैंने जो ये ऑर्डर किया था ये खत्म होने वाला है, फिर से ऑर्डर करना होगा। और मैं रूम के अंदर हूँ इसका वजह से इको आ रहा होगा बहुत। ये भी वाओ का उपतन एंड फेस बॉडी बैग है, जो पहले यूज किया था मैंने फेस वॉश वो भी वाओ का ही था। ये सब प्रोडक्ट्स का बेस्ट चीज ये है कि ये सब नेचुरल चीजों से बना है, तो टेंशन फ्री, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, बताने का ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपना जो सूखा ड्राई डेड स्किन है ना उसको भी रिमूव करता है। अब चलते हैं, निकलते हैं सैंड ड्यून्स।
रेन में घुस गया, छोटा सा एक रेन जैसा है, तभी निकालने में तो थोड़ा दिक्कत होगा। सामान इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं उत्तराखंड जाऊंगा और उत्तराखंड जाने से ठंड होगा, इसका वजह से विंटर क्लॉथ भी कैरी कर रहा हूँ मैं। पहले आप सोचो यही सिटी था, बाद में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, इसका वजह से सिटी के बाहर जाके लोग रहने लगे। अभी मैं जा रहा हूँ सैम ड्यून्स और अगर टाइम मिले तो शायद पाकिस्तान बॉर्डर भी जाऊँगा। हर रोज़ मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है, सुबह 4 बजे 5 बजे निकल जाता हूँ मैं, लेकिन आज निकल रहा हूँ मैं 12 बजे। सम मुलसागर सैम ड्यून्स ये पॉइंट से 30 किलोमीटर है। यहाँ पे ना रोड का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है, अभी तक जैसलमेर तक का रोड जो है वो सीधा था फ्लैट, लेकिन यहाँ पे ऐसे उतार चढ़ाव है। इधर ना बहुत सारे रिजॉर्ट्स है, जैसे आप जैसलमेर से सैम ड्यून्स की तरफ बहुत सारे छोटे बड़े रिजॉर्ट्स मिलेंगे और सब रिजॉर्ट्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ईंट से बना हुआ है, ईंट कलर का है और थोड़ा थोड़ा मतलब फोर्ट का लुक देने का कोशिश कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक रिजॉर्ट। आई गेस बारिश का टाइम पे यहाँ तक पानी आ जाता है। कहता है कि राजस्थान में सिर्फ फोर्ट्स है, डिजर्ट है भाई, लेक भी है। और एक चीज़ है, सोनी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, अभी धूप बढ़ गया है, गर्मी भी ज़्यादा है, इसका वजह से शायद इसका परफॉर्मेंस घट गया, अचानक से बंद हो जाता है और रिकवरिंग डाटा बोल के जो रिकॉर्ड हुआ है वो भी रिकवर नहीं कर पाता। पहला स्टार्टिंग का मान लो 5 मिनट का शूट किया, उसमें से 30-40 सेकंड रिकवर कर लेता है, तो ऐसा तो सही नहीं है। अभी बात करते करते अचानक से बंद हो गया, 2 बार हुआ ऐसा। मुझे एक्चुअली इस टाइप के राइड्स पसंद है कि मुझे जहाँ मन करेगा मैं उधर से जाऊँगा, जहाँ रुकना चाहता हूँ मैं उधर रुकूँगा। कल और आज मुझे जो पसंद है वो सब मैंने किया है। हेलो भैया, ये लेक का नाम क्या है भैया? वाटर। ये जगह बहुत सुंदर है, परफेक्ट जगह है कैंपिंग करने के लिए, लेकिन एक बार लोकल से पूछ लेना कि रात को किस टाइप के जानवर आते हैं यहाँ पे। छाव भी मिल जाएगा, पेड़ है, पानी भी है और इसका लोकेशन है ये कौन सा विलेज बोला, दामोदर। दामोदर विलेज से थोड़ा सा आगे जाओगे, 100 मीटर आगे जाओगे, राइट साइड में एक रास्ता मिलेगा, उधर ही घुस जाना बस। और ये देखो बहुत सारे गाय भैंस आ रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं मुझे मैं ये जो लोकेशन देके सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इधर लोग आएंगे और अगर गंदा करके जाते तब तो यार मत आना, ठीक है? बहुत साफ सुथरा जगह है, हम लोग इंसान ही है जो सब चीज़ों को गंदा करते हैं, तो वही बात है, अगर आते हो आओ, जैसा है वैसे रख के जाओ, कचरा है लेके चले जाओ।
मैंने शायद वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि सैंड ड्यून्स 30 किलोमीटर है, लेकिन वो 30 किलोमीटर नहीं, जैसलमेर से वो 45 किलोमीटर है। क्या है भाई, अचानक से उधर जाके रुकने वाला था और ये देख लिया मैंने, ये अजीब है। ये देखने के बाद तो डर लगने लगा मुझे। देख रहे हो, ये जिंदा है और ये ऐसे ही खड़ा है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। उधर कुछ इतना बड़ा क्या है? नहीं नहीं पत्थर नहीं, वो है क्या बोलते हैं उसे, टिकटिकी, टिकटिकी पता है, क्रोकोडाइल पता है, क्रोकोडाइल कुमिर। हाँ मैं भी आता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा ये गो गो बोलते हैं, गो काटता है ये? नहीं नहीं काटता, नहीं नहीं मत कीजिए, छोड़ दीजिए। वो गाड़ी उसके पाँव की लगी है, ओ इसलिए चल नहीं पा रहा है। लंच कर लेते हैं, अंदर बैठने का जगह है, और बाहर जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे बैठ के आप भी खा सकते हो। जो छाछ है ना, वो नहीं पियो। छाछ थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, ये अच्छा होता ना सेहत के लिए छाछ, हाँ लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ ये सब्जी दाल फ्राई है, मिक्स वेज है, कड़ी है, चावल है, अच्छा सलाद है, पापड़ है। हमारे जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर डाबला गांव से पानी आता है, इसलिए हमारे को यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। ज़्यादातर टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए हमारे को पानी भी अच्छी क्वालिटी का लाना पड़ता है। इसलिए हम काफ़ी 40 किलोमीटर दूर से हमारे ट्रैक्टर द्वारा, खुद के साधन द्वारा पानी का टैंकर यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। डेजर्ट के अंदर पहले जीप सफारी होती है, जिसमें 3 डेजर्ट है। पहला आएगा रॉयल डेजर्ट, रॉयल डेजर्ट करने के बाद में दूसरा आएगा मुगल डेजर्ट, मुगल डेजर्ट करने के बाद में तीसरा आएगा थार डेजर्ट। उसके बाद में पैराग्लाइडिंग है, कोड बाइक है, जीप सफारी का आनंद लीजिए। बाद में फिल्म पॉइंट है, बजरंगी भाईजान, कच्चे धागे, रिफ्यूजी, बॉर्डर पार्क। उसके बाद कैमल राइडिंग होती है, कैमल राइडिंग के बाद में सनसेट पॉइंट होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा हो चुका है ऑलरेडी, सामने हो चुका है, पे पेमेंट वेमेंट सब कुछ हो गया, एकदम। तो यहाँ पे रास्ता रोक रोक के आपको पूछेंगे। मैं 100 रुपये दे दूंगा। आप कहाँ से आए थे? मैं त्रिपुरा से। 200 दे देना, 200 धंधा नहीं है, धंधा हमारे यहाँ चौपट है बहुत। एक चीज सीखा है, ये कैमरा नहीं, ये कैमरो है। डेजर्ट ड्रीम रॉयल कैंप। तो रेगिस्तानों में आया है काउंटिंग माइल्स। ओ शिट 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 शिट। कहाँ आ गए हम? अंधेरा हूँ मैं। अच्छा उजाला हो गया भाई। एक रूम टूर देना ज़रूरी है, रूम टूर नहीं, टेंट टूर। ये वार्डरोब है, ये एंट्री का जो गेट है, दरवाज़ा है, रूम का घुसने का जगह है, 2 चेयर है, 1 टेबल है, आईना है, फैन है, 1 खिड़की है, बिस्तर, वॉशरूम। टूटेगा कि नहीं पहले देखता हूँ, जंप करने से पहले। नहीं टूटेगा, टूटने से दे दूंगा पैसा। तो अभी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए जीप सफारी। हम लोग इससे जाने वाले हैं जैसलमेर में। जो मैं सबसे ज़्यादा जिसको लेके एक्साइटेड हूँ वो है डेजर्ट कैंप। मुझे बहुत सालों से, जब से पता चला है कि ऐसा होता है, तब से मुझे मन था कि मैं ये अटेंड करूँ, समझ रहे हो बात। तो आपको भी अटेंड करवाऊँगा वर्चुअली।
ऐसा इधर ये अटक गया है गाड़ी। मजा आ गया भाई। पता नहीं शूट हो रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ओह शिट, मजा आ गया भैया। आइए सर। जैसलमेर आए और डेजर्ट सफारी नहीं किया तो क्या किया। और कैमल राइड, एक्चुअली मेरा मन नहीं था कैमल राइड करने का, वो आपका मर्जी है, आपको अगर मन है तो कर सकते हो या फिर छोड़ दो। वाह हो गया। तो ये वैसे वेलकम ड्रिंक है। मैं रुका हूँ डिजर्ट ड्रीम रॉयल कैंप, और ये सब जो देखा आपने ये सब कुछ उन लोगों का अरेंजमेंट है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जो सोच के आया था उससे ज्यादा मिला मुझे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिजर्ट ड्रीम रॉयल कैंप जैसलमेर।
आओ कभी यहाँ पे तो समझ जाओगे। और ये जो है इसका मुझे लगा 2500 रुपए, स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, कल्चरल शो, कैमल सफारी, जीप सफारी, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको आने के बाद लगेगा कि 2500 रुपए भी कम है। ये सुबह का नज़ारा है, ये जो है ये रहते सब जितना सारा टेंट से सब इधर लगा हुआ है। आए भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए। पोहाटा भालो अच्छा भाई है। हो चुका है पैकिंग। ये जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप आओ, आके घूमो, डिजर्ट सफारी करो, कल्चरल फेस्टिवल अटेंड करो, एंजॉय करो। मैं ये जिस कैंप में रुका हूँ इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे। ये वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और आज का जो व्लॉग है मतलब आप लोग जो अगला व्लॉग मैं जो देखने वाला हूँ, लोंगेवाला पोस्ट तो जाने ही वाला हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वहाँ पे 1971 में वॉर हुआ था वहाँ जाएंगे और एक जगह लेके जाऊँगा आपको जो जगह आपने सोचा भी नहीं होगा उस टाइप का एक जगह। ठीक है, थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय।